जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, वॉलपेन हैम्बर, क्लाई हैम्बर, फ्लैट फाइल। आप भी अर्निंग को बनाने प्रैक्टिस करते हो या बनाना चाहते हो, तो आइए बहुत आसान तरीका से हमने इनको ड्रॉ करके दिखाते हैं आपके लिए। तो आइए, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे चाहिए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। आपके आई टी एग्जाम में या हैंड फ्री स्केल, हैंड टूल आते हैं जो 15 से 20 नंबर का एक टूल बनाने के लिए आता है, वह आप बहुत आसानी से बना पाओगे विदाउट स्किल की सहायता से। ओनली रबड़ और पेन की सहायता से आप बना पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम बनाते हैं पहले एक बॉल पेन हैमर। सिर्फ रबड़ और पेंसिल की सहायता से आप बॉल पेन हैमर किस तरीके से बना पाओगे, वह हम आपके लिए बना के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लिए क्या करना है, एक डॉटेड डॉटेड पॉइंट्स लेने होंगे, जो आप इस तरीके से ड्राइंग शीट पर देख पा रहे हो। उसके बाद में क्या करना होगा, इसको डार्क करना होगा। डार्क करोगे आप कब, जब पूरा हैमर बना लोगे। ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक यू शेप की हल्की सी कर्व साइड से इस तरीके से हम ले पाएंगे, और हम इसको इस तरीके से दोनों साइड से हम इसको बना पाएंगे। ठीक सेम इसी तरीके से हम इसको भी लेंगे, इस तरीके से इसको लेंगे हम। ठीक जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह कुछ इस तरीके का कर्व आ चुका है और यह हमारे ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा। अब जो हमारे हिस्सा आया है वह हमारा बनने जा रहा है बॉल पेन का ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारा, यह हमारा गोलाई का हिस्सा होता है, जिसे बोलते हैं हम बॉल पेन। इसमें आप कुछ डिजाइन दे दोगे इस तरीके से। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर एक वेज, ये हमारा वेज होता है जिस तरीके से आप बना पाओगे, और इसी के हिसाब से हमारे यहाँ पर डिजाइन देंगे। यह हमारी हैमर की शोभा बढ़ाने के लिए ड्राइंग में होता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। हम एक एक पार्ट को इसमें बताने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके लिए डार्क करते हैं, जिससे कि हमें ये टोटल दिख चुके और दिखने में भी सुंदर लगेगा। इसके बाद में तुमने यह थोड़ी सी यू शेप थी, ये हमने यू शेप दी है, और सेम इस तरफ से भी कर्व साइड से हमने यह हमें अंडाकार लिया है। और इसी तरीके से हम इसे लेते हैं, डॉटेड लाइन से हम चिन्हित कर लेते हैं, जिससे कि बनाने में आसानी आ जाए। यह आपका कुछ बॉल पेन हैमर की शेप में बन जाता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा भी बना पाओगे। यह एक आसान तरीका था और बहुत जल्दी भी बन गया, जैसा कि आप देख रहे हो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो आइए अब हम इसका बनाते हैं, अब हम इसका बनाते हैं हैंड। हैंड बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसी तरीके से डॉटेड लाइन का सहारा लोगे पहले, उसके बाद में आप हैंड पूरा बड़ा कर दोगे। उसके बाद में क्या करना है तुम्हें, जो डॉट लाइन है उसको यहाँ कर्व देते हैं, जिससे कि हैंडल को पकड़ने में फिसलन न रहे। इसी तरीके से हम इस तरफ भी यहाँ थोड़ा ये हो गया। ठीक है, अगर फिर भी कुछ दिक्कत आ जाए तो आप इरेज का सहारा ले सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, यह आपका
बॉल पेन हैमर बन के होता कंपली। आइए अब हम इसके पार्टों के नाम दर्शा देते हैं, पार्टों के नाम लिख देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं हैंडल। यह आप एग्जाम में बनाने के बाद टोटल पार्टों के नाम दर्शा दोगे। यह हमारा होता हैंडल और यह होता हमारा नेक। और होता है हमारा इसका, ये होता है पोल। ये हमारा पोल होता है और ये हिस्सा हमारा होता है इसका फेस। फेस होता है और ये हमारा हिस्सा, इसका अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं वेज। इस हिस्से को हम बोलते हैं वेज। और जो हमारा वेज है, वेज के बाहर होता है हमारा आई होल। आई होल के अंदर होता है हमारा वेज। ये हमारा होता आई होल। इसे बोलते हैं हम, इस हिस्से को बोलते हैं ऊपर वाले को पैन। तो यह आपका कंप्लीट हुआ बनकर। और नीचे आपको लिखना है जो आपका हैमर होगा, वॉल पैन हैमर। आपको, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अधिक समय नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट इसे बनाने में लगेंगे और यह आपका कंप्लीट हो जाता है बन करके। आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस जिस तरीके से बना है उस हिसाब से कंप्लीट कर दोगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट हैमर, दूसरा हैमर बनाते हैं, जिस हैमर का नाम है क्ला हैमर। क्ला हैमर की शेप बॉल पेन हैमर से काफ़ी अलग होती है। जहाँ बॉल पेन हैमर यूज किया जाता है वहाँ क्ला हैमर यूज नहीं किया जाता है, वह किसी अलग कार्य के लिए यूज किया जाता है। तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक पोल बनाएंगे, वो भी डॉटेड लाइन से जिस तरीके से आप देख पा रहे हो। उसके बाद हम क्या करना है, इसके इस टाइप से शेप देनी है जैसे यहाँ पर हम दे पाए हैं, और सेम इसी तरीके से हम यहाँ देते हैं, इससे कुछ इससे अलग हटके। ठीक, अगर आपको फिर भी कोई समस्या आए तो आप उसके लिए साफ करके कर सकते हो। स्केल की हेल्प नहीं लेनी है, सिर्फ रबड़ और पेन की हेल्प लेनी है इसमें। इसके बाद इसे ऊपर आप इसकी चोंच टाइप से निकाल दोगे, इसी टाइप से आप इसको बैक लेके आओगे कुछ दूरी तक। यहाँ पर आने के बाद आप इसे कर्व में ढाल दोगे। कर्व में ढालने के बाद में आप इसकी हैंडल वाली शेप देने वाले हो, जो आप यहाँ से, यहाँ पर इसका हैंडल होता है। तो आइए हम इसका हैंडल भी बना देते हैं। ये इसका हैंडल होता है जो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर ये अभी अधूरा है तो हम इसके लिए यहाँ पर वी आकार की, गुरुवाकार की बनाई जाती है, जो यह कारपेंटर के कार्य में लाया जाता है। इसका कार्य होता है चोवे को लकड़ी से निकालना, मेज से निकालना, दीवारों से चोवे को निकालना। इसकी सहायता से हम चोवे को निकाल पाते हैं। यह हमारा हैंडल थोड़ा, इसका हैंडल थोड़ा पतला हो गया लास्ट में जाके, तो आइए हम इसको सुधारते हैं। अब हम थोड़ा ठीक सा लग रहा है, फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही हो इसे हैंडल में, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने हिसाब से इसी टाइप से बनाइएगा। सबसे पहले आपको डॉटेड करनी है,
उसके बाद में आप स्टेप्स बना पाओगे। जैसा कि आप अपने वॉल की स्क्रीन पर देख रहे हो, तो आइए अब हम इसके लिए डार्क करते हैं। डार्क करने के लिए आप आसानी से पेंसिल का यूज करोगे, ऐसा ना हो जल्दबाजी में ख़राब हो जाए। ठीक, जहाँ पर हमने डॉटेड लाइन दर्शाई है वहीं पर हम इसके लिए डार्क लाइन कर देते हैं। जैसा कि आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो, डार्क लाइन करने के बाद में इसमें कुछ अंदर भी हमें फिगर्स बनाने, जिससे कि दिखने में डिज़ाइन के हिसाब से थोड़ा अच्छा लगे। देखिएगा, आप हैंडल की तरफ चलते हो, यह सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे तो ही बना पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं बना पाओगे। यह आपके 15 15 नंबर, 20 20 नंबर तक का एक एक डायग्राम आता है, जो आप इसे आसानी से बना पाओगे। इस तरीके से आप इसकी शेप है बना पाओगे। तो यह हमारा बनके कंप्लीट होता है, किला है अंबर। आइए हम इसका नीचे नाम भी लिख देते हैं। सी, ये हमारा सी है, CLAW हैमर। तो यह हमारा कंप्लीट हुआ है क्ला हैम्बर बन करके। आप भी प्रैक्टिस करिएगा, आप भी इसे बना पाओगे। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट हैंड टूल की तरफ। अब हम बनाने जा रहे हैं फ्लैट फाइल रेती, जो आपका एक कटिंग टूल है। यह आपका हैंड टूल के अंतर्गत आता है और आपसे यह बनाने के लिए भी आता है। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, हम पहले डॉटेड करते हैं, इसके बाद इसको हम डॉटेड करने के बाद बनाते हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए, यह थोड़ी सी रेती पहले टेपर में होती है, उसके बाद थोड़ा यह बड़ा भी हो जाती है आगे चलने के बाद। ठीक, इस टाइप से आप इसके लिए थोड़ा शोल्डर यहाँ पर आप इसकी टैंग ये बना पाओगे। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर पाओगे। ड्रॉ करने के बाद में आपने क्या करना है कि एक यहाँ पर इस तरह की शेप लेनी है और यहाँ ये इसका पॉइंट टिप बना देनी है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर इसके एक एज बनानी है, इसको हमें एंड तक लेके जाना है और टैंग बाके इसे हमें ख़त्म कर देना है। तो आइए अब हम इसके लिए डार्क करते हैं। यह आपका रफली हो गया। अगर फिर भी आपका यहाँ पर इस समय डॉटेड करते समय आपकी लाइन टेढ़ी गलत हो जाती है, तो आप उसके लिए साफ करके बना सकते हो। तो आइए हम इसके लिए अब क्या करते हैं, डार्क करते हैं। इसी के ऊपर हम से डार्क कर देते हैं। जैसा कि अब आपने देखा, यहाँ पर ये हमारा कुछ गलत हो गया, तो हमने इसको रबड़ लिया और साफ कर दिया। तो हमने क्या करना है, इसको हमें दोबारा से बना देना है। अब यहाँ पर हमें इसे क्या करना है, टैंग टैंग बना देना है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यह थोड़ा ऐसा टेपर में होता है, उसके बाद में आप इसे बना पाओगे। यह आपकी कंप्लीट होती है फाइल बनके। आइए हम इसका पॉइंट भी ले लेते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हो। यह आपकी साइड सेफ एज है। तो यह आपकी फाइल इस टाइप से बन पाएगी। अब हमने क्या करना है, अब इसके हम कटिंग एज बनाते हैं। कटिंग एज बनाने के लिए
आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा कटिंग एज दिखाओगे जो कि रेती को, फाइल को साफ सुथरा दिखने में अच्छी भी लगे। इस टाइप से बना पाओगे। इसी तरीके से आप इसके लिए फेयर करके आप इसे बना पाओगे। तो आइए हम इसके लिए इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। चाहो तो आप ड्राइंग शीट को घुमा सकते हो और इससे भी सुंदर बना सकते हो। यह आपका कंप्लीट होता बनके फ्लैट फाइल। आइए हम इसे नीचे नाम लिख देते हैं। अगर आपसे आता नाम लिखने के लिए या नहीं आए तब भी आप इसके नीचे नाम लिखोगे और इसके पॉइंटों को आप नाम लिखोगे। यह आपकी बन गई होती है फ्लैट फाइल कंप्लीट। यह जो इसका हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं टैंग। ये हिस्सा इसका टैंग होता है और ये हिस्सा इसका लेंथ होता है। ये हिस्सा इसका लेंथ होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो हम आपसे आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए दोस्तों मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।